की आदि नाथ भगवान की जय। शांति नाथ भगवान की जय। संकीर्तन पार्थनाथ भगवान की जय। गौड़ी पार्थनाथ भगवान की जय। श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी अनंत लब्धि धाम सुब्रवतम स्वामी जी महा सद्गुरु महाराज की सद्गुरु महाराज की सद्गुरु महाराज उपस्थित संतवृंद साधुजी महाराज शुद्ध महात्मा माताओं के अनुरोध इस जगती तल पर तीन कार्य साधक तत्व एक है मंत्र दूसरा है यंत्र और तीसरा है तंत्र। ये तीनों ही कार्य साधक तत्व है। मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई मंत्र है वह है नमस्कार का मंत्र और इसी मंत्र में कहा गया है मंगलानंद सर्वेषु परमं अवै मंगल। अगर कोई मंगलकारी कोई चीज है चाहे द्रव्य मंगल हो चाहे भाव मंगल हो वह सभी मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र माना गया। तो ऐसा यह मंत्र सर्वश्रेष्ठ महामंत्र नमस्कार
सर्वश्रेष्ठ यात्रा। अगर कोई है तो वह है सिद्ध चक्र यात्रा। और तंत्र की दुनिया में कोई सर्वश्रेष्ठ तंत्र है तो वह कौन सा सर्वश्रेष्ठ तंत्र है? मंत्र और यंत्र तो आपने बता दिए, कौन सा तंत्र सर्वश्रेष्ठ तंत्र है? ऐसा कौन सा तंत्र है जो सर्वश्रेष्ठ है? और आप लोग प्रतिदिन उस तंत्र का उपयोग करते हैं, वह है सामयिक तंत्र। यह तंत्र आप लोग प्रतिदिन करते हैं और तीनों ही अपने यहाँ पर इन शासन में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जब किसी मूर्ख व्यक्ति को कोई दूर रत्न हाथ में लग जाए, चिंतामणि रत्न हाथ में लग जाए, उसका उपयोग किस तरह से करता है? वह जिसको भी चिंतामणि रखना आपने रख जाए या कोहिनूर पत्थर आपने आ जाए, जिसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उस चिंतामणि रख के या कोहिनूर पत्थर का उपयोग वह बुंदेल पर काम काम करने वाले कुएं को उड़ाने के लिए काम में लेता। ठीक इसी तरह से हम लोग भी सब कुछ जानने में भी अनजान बने हैं। हमारे पास सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे करते हैं? हम केवल बुंदेल में रहे थे, काम काम करने वाले कुएं को उड़ाने में से हम उन चीजों का उपयोग करते। ऐसी सर्वश्रेष्ठ चीजों के अंदर अपनी यहाँ पर सिद्ध चक्र यंत्र की साधना आराधना चल रही है। उस सिद्ध चक्र यंत्र की आराधना साधना के तीन दिन तो वैदिक होते हैं, आज चौथे दिन हम उपाध्याय पर की आराधना करते हैं। उपाध्याय पद, उपाध्याय की पास में समीप में अध्याय की अध्ययन करने वाला, पास में बैठा कर, पास में बैठ कर जो अध्ययन करता है करवाता है वे है उपाध्याय। जिन शासन के राजा अगर किसी को कहते हैं शासन के राजा किसको कहते हैं? आचार्य भगवान जिन शासन के राजा और उपाध्याय भगवान जिन शासन के युवराज हैं। उपाध्याय भगवान जिन शासन के युवराज हैं, आचार्य भगवान एक राजा क्या करता है और एक युवराज क्या करता है? राजा का क्या कार्य होता है और युवराज का
निगरानी रखना, केवल निगरानी रखना यह राजा का कार्य है। और युवराज का कार्य प्रत्येक गतिविधियों को किस गति से संचालित करना, किस तरह से संयोजन करना, नगर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस चीज को करवाना है, किस चीज को नहीं करवाना, यह कार्य युवराज का होता है। उपाध्याय भगवंत भी संघ में सानिध्य में रहने वाले कौन सा शिष्य पढ़ रहा है, कौन सा शिष्य नहीं पढ़ रहा है, हर तरह से संघ के प्रत्येक कार्य के लिए हमेशा तत्पर है। आचार्य भगवान पुण्य के स्वामी है, ज्ञान में भले आचार्य भगवान कम हो सकते हैं, तुम्हें कुछ भी जानना हो तुम्हें उपाध्याय भगवान से पूछ लेते, लेकिन आचार्य भगवान ज्ञान में भले कम हो लेकिन उनका पुण्य प्रबल तीव्रतम होता है। वे कहीं पर भी किसी भी तरह के कार्य के लिए अगर कोई भी कह दे कि भगवान हमें ये कार्य करवाना है, कैसे होगा, क्या होगा, ये आचार्य भगवान का पुण्य है। आचार्य भगवान कुत्ते के निधान होते हैं, उपाध्याय भगवान किसके निधान होते हैं, ज्ञान कहां से आता है। ज्ञान कहां से आता है, वह ज्ञान आता है विनय गुण से। अगर अध्ययन करके ही ज्ञान पाना हो तो हर कोई अध्ययन कर सकता है, अध्ययन करने से केवल ज्ञान पढ़ जा सकते हैं, लेकिन वह ज्ञान हर व्यक्ति को दे देना बहुत विनय गुण से आता। तो उपाध्याय भगवान किसके निदान होते हैं, तो विनय गुण के निदान उपाध्याय भगवान होते हैं। ऐसे उपाध्याय भगवान आराधना जब आचार्य भगवान भी उपाध्याय भगवान के पास कुछ पूछने आते हैं, भले वे बहुत कुछ जानते हैं उपाध्याय भगवान, लेकिन उपाध्याय भगवान सब कुछ जानते हुए भी आचार्य भगवान के सामने विनय पूर्वक खड़े रहते हैं। सब कुछ जानने में भी आचार्य भगवान के सामने विनय पूर्वक खड़े हैं। लघुता से प्रभुता भी है, आचार्य भगवान लघु बनकर सब कुछ जानते हैं। आप लोग अपने पास में इसको रखते हैं, लक्ष्मी। लक्ष्मी के बिना संसार का कोई भी कार्य
व्यक्ति खजाना है, लेकिन उनके पास खजाना वह संस्कृति का खजाना है। आप लोगों के पास खजाना है वह खजाना लक्ष्मी का खजाना है। लक्ष्मी के खजाने में से अगर आप कुछ किसी को दे देते हैं तो खजाना खाली हो जाता है, लेकिन सरस्वती के खजाने से अगर पाते हैं कुछ भी देते हैं, जितना देते हैं उतना ही खजाना बढ़ता है। ऐसा या खजाने से युक्त खजाने को बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले भगवान के पास शिष्य अध्ययन कर रहा है। एक बार समझाया नहीं समझा, दोबारा समझाया तो दोबारा समझाया, तिबारा समझाया, चार बार समझाया, जब तक नहीं समझता बार बार उसको समझा।
एक ही अक्षर को बार बार बताना, बार बार याद करवाना, वह है बड़ी चोरी है। जब तक याद ना हो तब तक उसके पीछे लगे रहना, वह है बड़ी चोरी। ऐसी बड़ी चोरी ना साइना वाइना चोरी ना बड़ी चोरी ना सीओ उपाध्याय बनता है। आचार्य बंधुन शासित होते आचार्य बंधुन ममतालु होते, बड़े दयावान करुणावान होते, माता के समान उपाध्याय बंधुन होते, आचार्य बंधुन पिता के समान होते हैं, उपाध्याय बंधुन माता के समान होते हैं। माता क्या करती है जब बच्चा छोटा होता है, बीमार होता है, वह कड़ी कड़वी दवाई पीना नहीं चाहता, तब माता क्या करती है? बच्चे का हित चाहती है, और बच्चे का हित चाहने के कारण माता उस बच्चे को दोनों घुटनों के बीच कसकर पकड़ती है, और कसकर पकड़कर चम्मच में गोली को गोल देती है, और अंगुली से उसकी जीभ को दबाती है, और फिर उसको दवा पिलाती है। अत्यो मामा, इस तरह से माता बच्चे का हित चाहने के कारण से कष्ट पकड़ती भी है, लेकिन बच्चे का हित चाहे पर ठीक हो जाए, इसलिए उसको कस के पकड़ भी ले, लेकिन उनका मारने का उद्देश्य भी अच्छी राह पर होता। उपाध्याय भी ऐसे ही होते। एक बिल्ली होती थी, बिल्ली के मुंह में अगर बिल्ली का बच्चा हो तो बिल्ली बच्चे को बड़े प्रेम से लेकर आती, मुंह में पकड़े देती, और वही बिल्ली के मुंह में अगर चूहा आ जाए तो बच्चे के प्रति बिल्ली भी बड़ी प्रेम का पूर्वक व्यवहार करती है। उपाध्याय भगवान के पास भी कोई भी शिष्य आ जाए, कभी भी आ जाए, एक बार आकर पूछ ले, दो बार आकर पूछ ले, जब सोने लगे उस समय भी आकर कुछ पूछ ले। आगे बार बार पूछने पर
या कोई भी आइटम बनाता है वह कुम्हार मिट्टी के खड़े को बनाते बनाते अंदर से तो प्रेम से हाथ उस घड़े पर खेलता रहता है और बाहर उस घड़े पर प्रहार करता रहता है, चोट करता रहता है। तो आश्रय मकमन ऐसा ही करते तो प्रेम पूर्वक समझाते हैं और जब नहीं समझता तो जब आग से भी नहीं समझता तो थप्पड़ भी थप्पड़ से भी नहीं समझता तो डंडे से ऐसे मारते जो हर तरह से शिष्य को काबिल बनाने का ऐसे उपाध्याय भगवत की आराधना जो कि बिना गुरु के भंडार हम भी आज उपाध्याय भगवत की आराधना करते थे उपाध्याय भगवत की आराधना किस रंग से करते हैं हरे रंग से हरा रंग कैसा होता है बिल्कुल हरा होता है नीम के पत्ते जैसे उपाध्याय को मन का रंग हरा शासन में जो हरा भरा रहे जो हरा भरा लिखे उसकी सुंदरता नगर की अच्छी होती है किस नगर में किस उद्यान में बिल्कुल हरियाली छाई हुई रहती है हर एक का मन मोह लेती है उपाध्याय भगवत की शासन की बगिया को हरा भरा बना अपने यहां उपाध्याय भगवत में की आराधना करते हैं और ग्रहों में किस ग्रह का रंग हरा होता है ग्रहों में सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु के कौन सा ग्रह हरा होता है तो बताया था कोई कह रहा हूं कि कौन से ग्रह का वर्ण हरा होता है बुध का रंग हरा होता है और बुध अगर किसी का कमजोर हो बुध अगर किसी का कमजोर हो तो कौन सा रत्न पहना जाता है पन्ना पहना जाता है पन्ना पहना जाता है बुध ग्रह कमजोर हो तो पन्ना पहना जाता है अगर तन की अस्वस्थता हो तन की अस्वस्थता हो तो बुध
अनुग्रह की आराधना जरूरी है। तन की अस्वस्थता हो तो बुध ग्रह की आराधना जरूरी है, मन की अस्वस्थता हो तो पन्ना ग्राम कर्तन पहना जाता है, मन की अस्वस्थता हो तो पन्ना रतन पहना जाता है। कोई माने या न माने, लेकिन आगम ग्रंथों में तो यही लिखा है कि तन और मन की हरियाली बनाए रखनी हो तो नमो उपाध्यायन पद की आराधना जरूरी। तन और मन की आराधना, तन और मन को प्रफुल्लित बनाने के लिए नमो उपाध्यायन पद की आराधना। तो ऐसे नमो उपाध्यायन पद की आराधना का असली नाम अभी
के नाम से विख्यात हो रहा था और मान के पीछे भी सबसे पहले मां के रूप से बात मैना जी ने सुना कि अरे इनका नाम तो श्रीपाल है और यह नाम धाना मैना और वे तीनों घर पर आए। घर पर आकर माता ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे इसकी दवा लेने के लिए कोसाती नगरी गई और वहां पर एक ज्ञानी गुरु भगवंत मिले और उन्होंने कहा कि तेरे बेटे की तो एक राजकुमारी के साथ शादी हो गई और उस बेटे का कोढ़ रोग भी दूर हो गया। जैसे ही माँ ने सुना माँ तुरंत कोसन के काम आती है, केली में आती है और माँ कहती है कि गुरु भगवान के कहे अनुसार जब मैंने आकर देखा कि मेरा बेटा स्वस्थ हो गया है और उसे मेरे लिए एक बहू भी ले आया तो माँ बड़ी प्रशंसित होती है। अब ये तीनों वहां पर सुख पूर्वक रहती है। माँ से मैना सुखी नहीं पूछती, पति से मैना सुखी नहीं पूछती कि आपका परिचय क्या है। केवल मैना सुखी को अभी तक तो केवल श्रीपाल नाम है यह पता लगा है, बाकी और कुछ नहीं पता कि कौन सा उनका वंश है कौन सा वंश नहीं है, कुछ नहीं पूछती मैना सुखी। जिसको मैंने जीवन सौंप दिया मेरे लिए तो सब कुछ वे ही है। तो ऐसे किसी भी बात पर कुछ भी मैना सुखी नहीं पूछती पर उनके साथ प्रेमपूर्वक रहती है। माता मिल गई माता से भी मैना सुखी ने नहीं पूछा कि माँ आपका कौन सा राज्य है आप कहाँ रहते थे, कभी भी मैना सुनी थी अपने मुंह से नहीं। पिता ने जिनको सौंप दिया अब कौन है क्या है मुझे इससे क्या लेना देना, कभी भी परमात्मा के मंदिर जाते पूजा अर्चना करते तीनों ही प्राणी गुरु भगवत के पास जाते गुरु भगवत के उपदेश सुनते प्रतिदिन का यही काम था। एक दिन तीनों ही मंदिर में कीर्तन क्या निकल रहे हैं और रूप सुंदरी पिया से मंदिर के दर्शन करने के लिए आती और जैसे ही मंदिर में मैना सुंदरी को एक रूपवान आदमी के साथ देखती है
और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सबने मंदिर का कार्य पूर्ण किया। मंदिर का कार्य पूर्ण करने के बाद अगर हम मंदिर में हो और मंदिर में आज अचानक आपने बेटी को देखा हो, हम पूरे मंदिर में सारी बातें करने शुरू कर सकते, तुम्हारा भाई कैसे हैं, सारा कुछ वही मंदिर में पूछना प्रारंभ कर सकते। यह कथानक कहते कहते ये सारी चीजें भी हमें जाननी है कि मंदिर में हमें किसी भी प्रकार की हम निसी ही बोलकर प्रवेश करते हैं। मंदिर में केवल मंदिर संबंधित कार्य महिला सूत्री कमला कमल प्रभा त्रिपाल ने जैसे ही चेतवंदन करके परमात्मा के मंदिर से बाहर निकली, रूप सुंदरी भी सारी क्रिया करके मंदिर के बाहर आई, मैना सुंदरी ने माता जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि चलो घर पर चलते हैं, और वे चारों ही घर पर आते हैं। चारों ही घर पर आए तब मैना सुंदरी ने कहा कि ये मेरे माता जी हैं। तब रूप सुंदरी ने कहा कि मेरा नाम रूप सुंदरी है और कमल प्रभा से पूछा, मैं भी जानना चाहती हूं कि आपका वंश कौन सा है, आपका वंश कौन सा है, आप कहां से आए हैं। तब कमल प्रभा कहती है मैं चंपन नगरी की रहने वाली हूं। चंपा नगरी में रथ के साथ सिंह जोड़ दिया जाता है। उस चंपा नगरी के राजा सिंह रथ के साथ कमल प्रभा का पारिग्रहण हुआ और उस कमल प्रभा से सिंह रथ राजा को एक पुत्र रत्न मिला और उसका नाम श्रीपाल रखा गया, जो लक्ष्मी को पालने वाला है, इसलिए उसका नाम श्रीपाल रखा। और जब श्रीपाल 5 वर्ष की उम्र का हुआ, सिंहरथ राजा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद जो वहां का मंत्री था मल्लिशाह, उस बतीसा मंत्री ने श्रीपाल का राज्याभिषेक करवाया। 5 साल की उम्र में श्रीपाल को राज्य मिल गया, लेकिन काका अजित सेन की नीयत बिगड़ी और काका अजित सेन की नीयत बिगड़ते ही
निशान ने आकर मुझे कहा, अजीत सेन की नियत बिगड़ गई है, वह राज्य हत्या रहा है, सारे सेनापति इत्यादि को धीरे धीरे अपने काबू में कर लिया है और श्रीपाल को वो मार देना चाहता है, इसलिए माता तुम रातों रात इसको लेकर अभी यहां से निकलो। और वह मति सागर के कहने पर मैं श्रीपाल को लेकर जंगल में की ओर निकल पड़ी। रात में रात भर भागती रही, भागते भागते जब प्रातः काल उदित हुआ तब मैंने देखा कि मेरे आगे 700 व्यक्ति चल रहे हैं। मैं उनके पास गई और उनको कहा कि मुझे अपने दल में विचलित कर। राजा ने सैनिक अभी आएंगे और अभी उनको ले इसलिए बीच में मुझे रख दू और 700 के 700 वे कोड़ी ने आप दोनों को बीच में एक खच्चर के ऊपर बैठाया और मेरे गोद में श्रीपाल राजा के सैनिक आए और उनसे पूछा कि एक बच्चे को ले भाग ले जाते हुए भागते हुए किसी महिला को देखो, कि आपके इस दल के अंदर कोई महिला है बच्चे को लेकर आई थी। तब उन गोड़ियों ने कह दिया कि हमारे यहाँ पर कोई भी महिला नहीं, हम तो सारे कुश्ती हैं, अगर तुमको विश्वास नहीं होता है तो तुम आ जाओ देख लो हमारे बीच में, लेकिन ध्यान रखना हमारा ये चेकिंग रूम है, तुम जरा सा भी हमारे बीच में आओगे तुम्हारे को भी चेकिंग रूम हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे ये सुना वे सैनिक तो वापस वहां से भागे और मैं श्रीपाल को लेकर उनके साथ आगे चल पड़ी। श्रीपाल को भी श्लोक हो गया, मैंने देखा कि यह रोगी हो गया, तो मैं पता करते करते पता लगा तो समझी नदी में वेदराज को भूमि के सोचे में सोचा भी होते और श्रीपाल अपनी कुर्ती के साथ रख दिया। वह उम्र आना बन गया, बड़ा हो गया और 700 कोड़ियों का स्वामी बन गया और मैं कोसंबी नदी में डूबती रही वैद्य को, लेकिन पता लगा कि वैद्य तो कहीं परदेश गया, वह कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन प्रतिदिन गुरु भगवान के पास जाते नहीं। एक दिन एक ज्ञानी गुरु भगवान ने मुझे बताया इसके बाद उज्जैनी में ही है और उसका वो शांत हो गया और बहुत शांत होकर एक राजकुमारी के साथ रह रहा था और मैं
ध्यान किए, साथ में श्री पाल ने भी प्रणाम किया, राजमहल में लेकर आए, राजमहल में बड़े अच्छे ढंग से रहना प्रारंभ कर दिया। श्रीपाल प्रतिदिन नगर भ्रमण के लिए निकलता। एक दिन श्रीपाल ने सुना एक कोई महिला किसी से पूछ रही थी कि यह इतना सुंदर, देवों के रूप के समान सुंदर यह व्यक्ति कौन है। तब उसने कहा, अरे ये तो अपने राजा का जवाई है, ये तो राजा का जवाई है। श्रीपाल के कान में जैसे ही शब्द पड़े, उसका मन उस बेली हो गया। अरे मुझे राजा के जवाई के अनुसार पहचाना जा रहा है। और जिसका ससुर के नाम से कोई पहचान हो वह तो अधम पुरुष कहलाता है। क्या मैं अधम पुरुष हूं? मेरे ससुर के नाम से मुझे पहचाना जाए? नहीं नहीं, मुझे मेरी पहचान बना। मैं ऐसा नहीं। और उसी समय वापस घर पर पहुंचे, राजमहल में आए। राजमहल में आते ही माता ने देखा कि अरे आज तो बेटा का चेहरा उलझा। माता ने पूछा, बेटे तू इस तरह से उदास क्यों है? या तेरा सिर दर्द कर रहा है, या पेट दर्द कर रहा है, या तुझे कोई और तकलीफ है? जल्दी बेटा बताओ। और उसी समय मैंने सुनी थी आप कह रहे तो उदासी देखकर बहुत ही पूछी,
Gracias.
इच्छा कारण संदी सह भगवान अभूत अभियंतर रायम खामे इच्छा खामिनी रायम ज्ञान किंती अपत्यम प्रपत्यम भक्ति पाने विनय व्यवचे चलावे चलावे उत्तर से समाप्ति अर्थवाता है तुझी बाचा है ज्ञान किंती मजे विनय पट्टम सोमवार पूर्ण जन्म पाप न जन्मे तस्मिच्छाम इसुपरा चामी खमाशनो बंदी को जाने का लिखिया है मचेन मन्ना में सुख सत्ता में उपसर्गा क्षय देवी
कल्याण कारण प्रधानं सर्वधर्माणां जयति चाचरणम्।